प्यारी साध संगत जी, धन धन श्री गुरु अमरदास जी दे लंगर दी प्रसिद्धि जदों चारे पासे फैल रही सी, पर कुछ कंठरपंथी लोग जो वर्ण आश्रम विच विश्वास रखते सन ओह इस लंगर प्रथा दे विरुद्ध सन। इन्हां लोकां विचों प्रमुख सन पंडित हरि राम जी, जिन्हां नूं लोग तपस्वी कहिंदे सन। पंडित हरि राम जी कुछ दिनों वालों गोइंदवाल नगर विच निवास रखन लगे सन। यह पुरोहित दा कार्ज करदे सन, इसलई इन्हां दी जीविका दे साधन विच इन्हां दे लई वर्ण आश्रम हितकर सी। जाति बंधन टुटण उत्ते इन्हां नूं ढिड उत्ते लत पैंदी विखाई दिंदी सी। अंत यह लोग नहीं चाहुंदे सन कि लंगर दी वड्याई विच प्रचार होवे। वास्तव विच इन्हां दा धर्म करम वल्लों कोई लेना देना नहीं सी। ये तां चाहुंदे सन कि समाज दे विभाजन दे जोर उत्ते इन्हां दी रोजी रोटी चलदी रहे। जेकर सारे एक हो गए अते कोई उच्चा नीचा नहीं रहा तां उन्हां दा की होवेगा? फिर कौन उन्हां नूं सन्मान देवेगा? बस इस चिंता विच यह पंडित हरि राम जी लंगर प्रथा दे विरुद्ध प्रचार करदे रहिंदे। हौली हौली पंडित हरि राम दीआं गल्लां गुरुदेव दे कन्नां तक पहुँचियां। जदों गुरु जी नूं पता होया कि कुछ मकामी लोकां नूं जिन्हां विच स्वर्गीय गोइंदे दे बेटे भी शामिल हन लंगर दे विरुद्ध भड़काया जा रहा है, तां गुरु जी ने युक्ति वल्लों कम लिया। उन्होंने पंडित जी की गुटबंदी तोड़न लई एक विशेष आदेश जारी किया, जिस विच घोषणा की गई कि जो व्यक्ति लंगर विच भोजन करेगा उसनू दक्षिणा विच एक रुपया चांदी का सिक्का भी दिता जाएगा। बस फिर की सी, लंगर दे बाहर भारी भीड़ रहन लगी। नगर का कोई अजिहा व्यक्ति नहीं रहा जिसने लंगर वल्लों भोजन कबूल ना किता होवे। इस प्रकार पंडित हरि राम जी वेखदे ही रह गए अते उन्हां दी गुटबंदी बिखर के रह गई। पर हुणे भी कुछ एक अजिहे व्यक्ति सन जो केवल एक रुपए विच अपनी हठ धर्मी नहीं त्यागना चाहुंदे सन। गुरु जी ने अगले दिन दक्षिणा दी राशि दुगनी कर दित्ती। राशि दे दुगने होण उत्ते बाकी दे लोक भी लंगर विच्चों भोजन सेवन करन लगे। पर हुणे भी पंडित हरि राम लोक शर्म दे कारण अड़िया होया सी। गुरु जी ने पैसा राशि फिर वधा के 5 दा सिक्का मोहर कर दित्ती। इस उत्ते चारे पासे वल्लों जन समूह उभर पिया। हुण हरि राम सोचन लगा कि 5 दे सिक्के दी मोहर किस प्रकार वल्लों प्राप्त कीती जावे। जेकर मैं आप गुरु दे लंगर विच जांदा हाँ तां लोक मेरा परिहास करनगे अते मैं किते दा नहीं रहांगा, इस लई मैनू जुगती वल्लों कम लैणा चाहीदा है। इस उत्ते उसने अपने मुंडे नूं लंगर विच भेजण दा निश्चा किता। पर ओह लंगर दे कोल अपड़िया तां लंगर दा दरवाजा बंद हो चुकिया सी अते बाहर प्रतीक्षा विच बहुत भीड़ खड़ी सी। हरि राम ने चुपके वल्लों लंगर दे पिछे दी दीवार वल्लों मुंडे नूं अपने मोढे उत्ते चढ़ा के अंदर कुद जाण नूं कहा। मुंडा केवल 8 साल दी उम्र दा सी, इसलिए ओह कुदन वल्लों भै पीत होण लगा। पर जल्दी विच हरि राम ने उसनूं पिछे वल्लों धक्का दे दिता। ओह हेठां डिग्गिया अते उसदी लत उत्ते डूंगी सट लग गई। दर्द दे कारण ओह चीखण लगा। सेवादारा ने उस वल्लों विस्तार वल्लों पुछगिछ कीती। जवाब विच मुंडे ने दसिया, मेरे पिता पंडित हरि राम हन अते उन्होंने ही मैनू मोढे उत्ते चढ़ा के लंगर विच कुदन लई मजबूर किया सी, क्योंकि द्वार उच्ची होण दे कारण मैं कुद नहीं सी पा रहा। अंत उन्होंने मैनू धक्का दे दिता जिस दे नाल मैनू चोट आई है। ओह चाहते सन कि मैं भोजन करन दे उपरंत मोहर प्राप्त करा। यह घटना हास्यापद सी, क्योंकि पंडित हरि राम तपस्वी थां थां उत्ते गुरु दे लंगर दी आलोचना करिया करदे सन। मुंडे नूं सेवादारा ने भोजन भी कराया
ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੋਹਰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਜਨ ਸਧਾਰਨ ਵਿੱਚ ਪੰਡਿਤ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ ਪੰਡਿਤ ਢੋਂਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।